हाय गाइस, मैं रंजना सेजल पार्लर से, जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण। स्टार्ट करती हूँ मैं कि मुझे क्या बोलना है। मेरे को ये बोलना था आप लोगों को कि जो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो, रेड चेरी कलर का 6 नंबर का स्टिक का मैंने वीडियो बनाया था। मैंने वो सिर्फ एक सैंपल के लिए वीडियो बनाया था, एग्जाम्पल के लिए कि उसका ऐसा कलर आया था, आपने देखा था। आज मैं यही कलर मैं क्लाइंट के हेयर पे करने वाली हूँ 30 नंबर के डेवलपर से, इसका आज मैं फुल वीडियो बनाने वाली हूँ। हाँ, मुझे लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना प्लीज करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए गाइज। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो। ये मैंने स्टिक का कलर लिया है गाइज, और इसमें 30 का डेवलपर मिक्स करूंगी। मैंने आपको जैसे कि बताया है इसका डेढ़ गुना ज़्यादा रहेगा, जितना भी कलर है उसका डेढ़ गुना ज़्यादा आपका डेवलपर रहेगा अगर 30 का डेवलपर यूज़ कर रहे हो तो। और ये रोड में नहीं लगेगा गाइज, ये मेरा भाई है ना, ये अपने आप को ही मिरर में देख रहा था, इतना बड़ा मिरर दिखा उसे, तो बस वो अपने आप को ही, मेरा बाल, ये वो बस वो अपने आप को ही दिख रहा था, सही कर रहा था। अब उसे कैसे बोलूँ कि अभी बाल को मैं फिर अभी सेक्शन निकालने वाली हूँ, तेरे बाल वैसे ही कैसे हो जाने। आदत रहती है, सबको लगता है कि लड़कियों को आदत रहती है, पर मेरे जैसा कुछ नहीं है, लड़कों को भी बहुत आदत रहती है अपने आप को देखने में। तो चलिए मैं ये 4 सेक्शन ले रही हूँ। जब मैंने इसके 4 सेक्शन लिए ना गई, तो हम जब ये सेक्शन लेते हैं तो हम बच्चों के बाल हेयर कट करने के लिए ऐसे सेक्शन लेते हैं, तो मन किया ब्यूटिशियन हूँ ना कहीं कि कैंची लेके एक बार बाल कट कर दूँ मैं, बट नहीं कर सकती, मेरा भाई है। तो चलिए मैं कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ। ये कलर को आपको रूट में टच नहीं करना है। क्या करूँ मैं, बार बार बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि नहीं तो सबको पता ही है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि 30 का डेवलपर यूज़ कर रहे हो तो उसको रूप में टच नहीं करना है, फिर भी गाइस मैं कर बोलूँ। और ये कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं, पहले मैंने कलर लगा दिया, उसके बाद मैंने कौन से उसको मल्सीफाई कर दिया। और हाँ, ये 30 का डेवलपर मैंने मिक्स किया गाइस, तो इसमें ना अगर ऐसे ब्लॉन्ड हेयर रहेंगे ना गाइस, तो आपका 20 का डेवलपर मिक्स करना, उसका रेशो 1:1 रहेगा, सेम रेशो रहेगा, जितना आपका कलर उतना आपका डेवलपर रहेगा 20 का। तो क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर है ना, तो गाइस तो थोड़ा सा आप 20 के डेवलपर से भी आप कर सकते हो कलर इसको। तो मैंने ये 30 के डेवलपर से किया है, जो कि मुझे 20 से करना चाहिए था, बट मैंने 30 से किया है। तो मैंने पर इसको 10 मिनट ही रखा गाइस, तो आपको रीचेक करना है ऐसे कि अगर आप 30 का यूज़ कर रहे हो और पहले से ब्लॉन्ड है तो आप 20-40 मिनट्स मत रखना, आप 10 मिनट में वॉश करना। नहीं तो ये कलर, क्योंकि मैंने आपको इसका वर्जिन हेयर पे करके दिखाया था, वो एग्जांपल मैंने एक दिखाया था आपको, तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, आप देखना। वर्जिन हेयर पे अलग ही शेड आया है और ये ब्लॉन्ड हेयर है तो इस पर अलग शेड है। तो आप कहेंगे तो मैं एक बार 20 के डेवलपर से करके दिखाऊंगी, और नहीं तो एक बार 30 के डेवलपर से मैं करके दिखाऊंगी जो वर्जिन हेयर रहेंगे, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी इस चीज़ के लिए कि ब्लॉन्ड पे कैसे 30 से आता है, वर्जिन हेयर पे कैसे 20 डेवलपर पे आता है या 30 से आता है वर्जिन हेयर पे। तो मैं चीज़ें आपको करके दिखाऊंगी गाइस। और जब आप आगे ऐसा फैशन कलर यूज़ करते हैं ना गाइस, तो आगे है ना अपने बारीक हेयर रहते हैं, तो फटाफट कलर है ना वो चढ़ जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको आगे के हेयर को चेक करना है, ऐसे नहीं कि पीछे से स्टार्ट किया है और आगे आप लगा देंगे तो उसको ज़्यादा टाइम के नहीं, तो पीछे ना अलग पतले से हेयर होते हैं तो उस पर फटाफट कलर चढ़ जाता है, तो उसे एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो आप हाँ, पीछे से स्टार्ट कीजिए, आगे से नहीं, क्योंकि आगे फटाफट कलर चढ़ता है। तो आगे का एक बार रीचेक ज़रूर कीजिए कि ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि आगे से पीछे से और आगे से सेम ही कलर रहेगा पर अलग दिखता है, वो ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाता है। मैंने सेम, आपने जैसे जैसे एक दूसरी तरह से मैंने लिया है, सेम दूसरी जगह भी वैसे ही एप्लीकेशन करना है। फाइन, ये एप्लीकेशन करके हो गया है मेरा। पहले तो मैंने 10 मिनट ही रखा, 10 मिनट के बाद मैंने वॉश किया, क्योंकि मेरे भाई के हेयर पे ब्लॉन्ड कलर ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने नहीं किया, किसी और से करवाया इसने। इसके बाद मैं हेयर वॉश किया, ड्रायर के बाद मैंने सीरम लगा दिया हेयर पे,
ये फाइनल रिजल्ट है गाइस।